वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अपनी तैयारी को अंतिम देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आई इसके जो इम्पोर्टेंट डे को जो सीरीज चलाया जा रहा है उसमें आज हम 4 मार्च में जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है नेशनल सेफ्टी डे, तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह क्यों मनाया जाता है, 4 मार्च का ही चयन क्यों किया गया है, क्यों खास है सुरक्षा जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, थीम क्या है 2022 का, नेशनल सेफ्टी वीक या सप्ताह क्या होता है, इससे संबंधित सभी चीज़ों पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उससे आगे से बढ़ने से पहले आप लोग चैनल जो भी अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जो हमारे पुराने व्यूअर लिसनर्स वो लोग चैनल को शेयर भी किया कीजिए कि ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। युक्ति आईएएस आप लोगों को बहुत सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल का है, युक्ति आईएएस पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जिसमें आप लोगों को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का पीटी प्लस मेंस का टेस्ट सीरीज आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। साथ ही ऑल गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स, सेट, टेट सभी एग्ज़ाम आप लोग अवेलेबल हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म को आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करिए या तो www.yuktiis.in वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बार कोड को स्कैन करिए गूगल स्कैनर से और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है युक्ति आईएएस का उससे डायरेक्ट आप जुड़ जाइएगा और यह जो पीडीएफ है बिल्कुल मुफ्त आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, तो आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। हमारा टैगलाइन सभी लोग जो अभी तक जुड़ चुके हैं सभी लोग जान रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, यह टैगलाइन के साथ हम लोग आप लोग के सामने उपलब्ध है। तो इसे अपना कोचिंग जरूर अपने मोबाइल को बनाइए। बहुत सी चीज़ आप लोगों को दिया जा रहा है, जैसे आप लोगों को 67 बीपीएससी मेंस का सीरीज चलाया जा रहा है तो सभी लोग इसे जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी इसे जो भी दिया गया उससे पीडीएफ में आप लोग देख लीजिए और हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग का मेंस जरूर क्लियर हो। 67 बीपीएससी पीटी सीरीज चलाया जा रहा है, सभी लोग जान रहे हैं लास्ट अप्रैल में आपको एग्ज़ाम होगा इसका, तो इस पर लास्ट मॉड्यूल चल रहा है, फुल टेस्ट इसका 5-4 हो चुका है, 5 जो टेस्ट है वो कल होगा, तो आप लोग ज़रूर आप लोग इसमें शामिल होइए। मात्र इसका फ़ी 199 रखा गया है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आप लोग जो भी संबंधित क्यूरी हो दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चलाया जाता है यहाँ, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। और लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है, वो शेड्यूल आप लोगों को अपडेट किया जाता है, शेड्यूल के साथ ये आता है, तो ये शेड्यूल आप लोगों को ऐप पर आप जाइएगा, लूसेंट बूस्टर पैकेज वहाँ होगा, वहाँ पर उसका शेड्यूल आप लोग अपलोड कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं किस तारीख को कौन सा टॉपिक आपको लूसेंट बुक से लिया गया है और उसका जो प्रश्न होगा किसी में 20 प्रश्न होगा, किसी में 15 प्रश्न होगा, किसी में 25 प्रश्न होगा उस टॉपिक से, तो आप लोग उसको दे सकते हैं। ये बहुत ही जो भी एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम उसके लिए रामबाण के रूप में इसके उपयोग किया जा सकता है। इससे बाहर आपको जीके का प्रश्न नहीं होगा क्योंकि यह उस रूप से आपको फॉर्मेट बनाया गया है जो आपको सभी प्रश्नों को कवर करता है। यह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसमें 600 से अधिक प्रश्नों का आप लोगों को अभ्यास कराया जाएगा जिसका मात्र फी रखा गया 199। तो इसके लिए आप विजिट कीजिए yuktiis.in या तो आप टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं या तो आप ऐप भी डाउनलोड करके इसे इस जो फॉर्मेट को चलाया जा रहा है इस सेगमेंट का आप लाभ ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे 2022 क्या है। भारत में प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन संचालित करता है यह महत्वपूर्ण है। यह नेशनल सेफ्टी काउंसिल के एक गैर सरकारी संगठन और गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है, उसके द्वारा ही किया जाता है। वर्ष 1966 में मुंबई सोसाइटी अधिनियम के तहत इस संगठन का गठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का स्थापना की गई थी उसी के द्वारा यह सेफ्टी जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है नेशनल सेफ्टी डे उसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसे कोऑर्डिनेट कराया जाता है। और क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या काउंसिल NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना के सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस NSD मनाया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था, 4 मार्च 1972। तो ये आपको पीटी में जरूर प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि कब यह प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया गया था। हालांकि इस संस्था का संगठन का जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गठन कब हुआ था, 4 मार्च 1965 को भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण के जो
स्वयं सेवी आंदोलन का निर्माण और विकास के लिए स्थापित किया गया था। इससे संबंधित तो स्थापना कब हुआ नेशनल सेफ्टी काउंसिल का, तो 4 मार्च 1965 को। इसी के याद में प्रत्येक 4 वर्ष को आपको यह दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल की जो 4 मार्च के स्थापना दिवस है उसके संदर्भ में आपको नेशनल सेफ्टी दिवस मनाया जाता है। तो इसे आपको पीटी में ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 4 मार्च 1972 को मनाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको पीटी में आ सकता है। नेक्स्ट है, क्यों खास है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस? यह इसलिए खास हो जाता है क्योंकि कार्यस्थल पर होने वाली अपदाओं को कम करने के लिए सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए महत्व पर जोर देता है। हमारा कार्यस्थल, वो कार्यस्थल कोई भी हो सकता है, वहाँ पर जैसे आप ऑफिस में हैं या वाइट कॉलर आप स्टाफ हो, या वाइट कॉलर या रेगुलर कॉलर जो होता है उससे अगर आप कोई भी स्टाफ हो, परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, कहीं भी आप कार्य करते हैं जहाँ कारखाना अधिनियम या तो कार्यस्थल अधिनियम से संबंधित है, वो परिभाषित है, तो वहाँ पर कार्य करते हैं, तो आप प्रतिष्ठान में भी कार्य करते हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको जागरूकता हो और उनके आपदा से संबंधित है। तो इसलिए इस संदर्भ में आप लोगों को मनाया जाता है। देखिए, सेम इंग्लिश फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ उपलब्ध है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है युक्ति IAS का, तो आप वहाँ से जुड़ के इस PDF प्राप्त कर सकते हैं, या ऐप पर ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पर भी आप लोग को उपलब्ध है या PDF बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, और साथ साथ वेबसाइट पर भी आप कहीं से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी इंग्लिश मीडियम है उसे आप कवर कर सकते हैं। इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस रूप से इसे बनाया जाता जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो, आपको प्रश्न एग्ज़ाम से डायरेक्ट टैली करें। थीम क्या है वर्ष 2022 का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की? थीम है सुरक्षा संस्कृति और के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। तो आपको इससे संबंधित आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है PT ओरिएंट यहाँ से, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में PT का प्रश्न आपको डायरेक्ट थीम से पूछा जाता है, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेशनल सेफ्टी वीक या सप्ताह भी मनाया जाता, वह क्या है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 मार्च से 10 मार्च तक प्रत्येक वर्ष इस दौरान के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे नेशनल सेफ्टी वीक या सप्ताह कहा जाता है। इसका ऑर्गेनाइजेशन भी यही संगठन करता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, कवर कीजिएगा। तो नेशनल सेफ्टी वीक कौन सा है, 4 मार्च से 10 मार्च तक जो चलेगा, अभी चल रहा है, 10 मार्च को इसकी समाप्ति कर दी जाती है। तो यह भी प्रश्न आपसे PT में प्रश्न पूछ सकता है। और नेशनल सेफ्टी डे कौन सा है, तो 4 मार्च है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे, इस रूप से थीम से आपको प्रश्न मिलेगा, यह भी आपको मिलेगा। सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश वाले भी, इंग्लिश में भी आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ से प्रश्न आपको PT के रूप में आप लोगों को यह भी मिल सकता है, गैर सरकारी सरकारी संगठन कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है, या इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ से प्रथम जो सेफ्टी सुरक्षा दिवस था वो कब मनाया जाता है, यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। किस मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है, या तो ये भी आपको PT में प्रश्न पूछ सकता है। तो बहुत से प्रश्न यहाँ से लगभग 5-7 जो प्रश्न यहाँ से उभर कर सामने आ रहे हैं, जो आपको एग्जाम ओरिएंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से करिएगा। इसका PDF आप लोग जरूर प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम से, वेबसाइट से, या तो ऐप से, कहीं से भी आप ले सकते हैं। हम फिर कल हाजिर होंगे नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ। तो आप लोग जो भी IAS के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को चलाया जा रहा प्रोग्राम, आप जरूर शामिल होइए। वेरी लो फीस में आप लोगों को सारे प्रोग्राम यहाँ दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो समग्र अध्ययन हो वो कराया जा सके, टू दी पॉइंट बात की जा सके, और जो भी चीज़ें हैं आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इम्पॉर्टेंट डे के साथ। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।